असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। नेशनल लाइब्रेरियंस डे पर मैं उन सभी पुस्तकालय अध्यक्षों को जो किताबों के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, किताबें पढ़ते भी होंगे और लोगों को गाइड भी करते होंगे, पुस्तकें कभी समाप्त नहीं होती। लोग चले जाते हैं लेकिन उनके लिखे हुए शब्द किताबों के रूप में समाज को अनंत काल तक तुलसीदास हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी लिखी श्री रामचरितमानस हमें बार बार तुलसीदास जी की याद दिलाती है। महर्षि वेदव्यास हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके लिखे हुए कालजयी महाभारत, वेद और पुराण आज हमें उनकी याद दिलाते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के नाते व्यक्ति उन पुस्तकों के बीच में किस तरह से जीता है, किस तरह उन भावों को हर आने वाले व्यक्तियों को उसको क्या जरूरत है, कुछ मजबूरी में आते हैं, कुछ रुचि लेकर आते हैं, कुछ सिर्फ पढ़ने आते हैं, कुछ सिर्फ किताबें इकट्ठी करने का शौक होता है, कुछ वैसे लोग भी आते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए लाइब्रेरी में गप मारने चले जाते हैं। ये सब ये दिखाने की बजाय ये दिखे नहीं ये किताबें कितनी महत्वपूर्ण है, क्या ज्ञान का अथाह सागर है। ज्ञान, नॉलेज इज पावर। हमारे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो थे उनको ही तो अंग्रेजों ने आके अटैक किया। ये तो ठीक है कि हमारी श्रुति परंपरा से हम अपने इस ऐतिहासिक पौराणिक इन ग्रंथों को हम बचा ले, लेकिन फिर भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो आज भी दुर्लभ हैं। तो आइए आज उन सभी पुस्तकालय अध्यक्षों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो कौन से सिरे में, कौन सी अलमारी में, किस जगह कौन सी किताब पढ़ी है वो बिना कंप्यूटर में देखे बता देते हैं। ये उनकी उस किताबों के प्रति ये उनका समर्पण है। मैं खुद भी किताबों में रहता हूँ, किताबों में ही मैं जीता हूँ। मेरे लिए नई किताब एक ऐसी है जैसे आज मेरे नया उत्साह भरने जैसी है। जिस दिन नई किताब आती सोचते कब मौका मिले मैं पढूं। कोशिश करता हूं कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं, लेकिन मैं ज्ञान से बोझिल नहीं हूं, ज्ञान को मैं बोझ नहीं मनाता हूं। ज्ञान जीवन जीने के लिए है, उल्लास भरने के लिए, उमंग भरने के लिए, निराशा से बाहर लाने के लिए। बस आज इतना ही। एक बार पुनः सबको नेशनल लाइब्रेरियंस डे के अवसर पर बधाई देता हूँ और पढ़िए, पढ़ते रहिए, किताबें शेयर करते रहिए, देते रहिए। सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अनोखी बात, जो जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे कट जाते। थैंक यू।